हेलो गाइस, आज हम लोग एक और डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, एक और कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में जिसे बोलते हैं पर्टुसाइसिस। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं हुपिंग कफ, लोकल लैंग्वेज में लोग हुपिंग कफ बोलते हैं, जो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पर्टुसाइसिस। ठीक है, इसके बारे में। तो ये एक एक्यूट बैक्टीरियल डिजीज है, कंटाजियस है, क्योंकि ये कंटाजियस का मतलब ये होता है कि एक दूसरे से इन्फेक्शन फैलना। ठीक है, और एक्यूट बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ क्रोनिक नहीं है, क्या है, एक्यूट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये किस बैक्टीरिया से होता है, बॉर्डेटेला पर्सुटाइसिस। ठीक है, बॉर्डेटेला पर्टुसाइसिस। ठीक है, इस बैक्टीरिया से ये होता है। इसमें सीवियर कफिंग स्पेल्स होती है। सीवियर कफिंग स्पेल्स का मतलब होता है कि हमें बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, स्पेल्स का मतलब होता है शॉर्ट पीरियड के लिए, मतलब ये एक्यूट है ना, मतलब ये बहुत लंबे टाइम तक ये डिजीज नहीं रहता है, तो मतलब एक्यूट है तो ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, लेकिन सीवियर वाली कफिंग इफेक्ट आती है इसमें, बहुत सीवियर वाली कफिंग इफेक्ट आती है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बहुत ही कम समय के लिए। ठीक है, अफेक्ट पर्सन ब्रीदिंग। और इसमें क्या होता है कि पर्सन अगर ब्रीद करता है तो हुपिंग कफ, इसका नाम क्यों पड़ा है, जब पर्सन ब्रीद करता है तो हुपिंग लाइक आवाज़ आती है। ठीक है, हुपिंग एक आवाज़ होती है, एक साउंड होती है, उसकी तरह हुपिंग मतलब बहुत, आप ऐसे पर्सन को देखे हुए तो आप उसकी आवाज़ से ही समझ जाओगे कि ये कैसे ब्रीथ कर रहा है। ठीक है, उससे ही पता लग जाएगा कि इसे हुपिंग कफ है या नहीं। ठीक है, ये 100 डेज का आपको बता रहे हैं कि बहुत लंबे टाइम तक ये नहीं रहता है, ये 2 से 3 महीने तक इसमें कफ बनी रहती है, 100 डेज कफ इसमें होती है। ठीक है, 100 दिनों तक कफ बनी रहती है। इसमें क्या होगा, सडन ब्रेक होगी अनकंट्रोल्ड कफ का, मतलब इसमें कफ जो होगी ना अचानक से बहुत ब्रेक होगी, बहुत ज़्यादा, मतलब कफ ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में। ठीक है, चिल्ड्रन इन मोर प्रिवेलेंट, इसमें चिल्ड्रन बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसका कॉजेटिव एजेंट है जो कि हम लोग देख रहे हैं बॉर्डेटेला है, ग्राम पॉजिटिव है। ये ध्यान रखना कोई जरूरी नहीं है कौन सा कॉजेटिव एजेंट है, किससे हो रहा है, वो ध्यान रखना, बैक्टीरिया का नाम याद रखना है। ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होती है 7 to 10 days होती है इन्फेंट्स और एडल्ट दोनों में। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या होगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये कफ से रिलेटेड है, इसमें कफिंग हो रही है, तो हम इजीली समझ सकते हैं कि अगर कफिंग या स्नीजिंग टाइप का केस है तो ये हमारे कहीं ना कहीं ब्रीदिंग सिस्टम से रिलेटेड है, और ये हमारे माउथ और नोज से रिलेटेड है, यानी हम जो भी बोलेंगे या फिर जो भी छींकेंगे खांसेंगे उससे जो भी ड्रॉपलेट निकलेगा उससे होगा। ठीक है, वही ड्रॉपलेट जाके कहीं स्टिक कर गया, किसी ऑब्जेक्ट पर स्टिक कर गया, मेरे हाथों पर लग गया, तो फिर जाके वो किसी हम दूसरे को टच कर सकते हैं, तो क्लोज कॉन्टेक्ट से हो सकता है। रेस्पिरेटरी एरिसोल, अगर हम एरिसोल वगैरह यूज कर रहे हैं तो रेस्पिरेटरी एरिसोल या फिर जो स्प्रे वगैरह यूज कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी स्प्रे वगैरह यूज करते हैं, उससे भी इफेक्ट हो सकती है। ठीक है, ये किसी तरह हमारे ड्रॉपलेट से रिलेटेड है, हमारे माउथ और नोज के ड्रॉपलेट से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसमें कौन सा एज ग्रुप ज़्यादा इफेक्टेड होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे इफेक्ट होते हैं जिनका एज 3 to 5 years के बीच में होता है, इन्फेंट बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न्स, प्रेगनेंट वुमेन भी इफेक्ट हो सकती है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पर्सन इफेक्ट होता है जिसकी इम्यूनिटी लो हो। ठीक है, इन्वायरमेंट फैक्टर क्या है कि ये मोस्टली बैक्टीरियल डिजीज है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि ये ऐसी डिजीज होती है वो मेनली रेनी सीजन होनी चाहिए थी, क्योंकि उस टाइम बैक्टीरिया का ग्रोथ ज़्यादा रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विंटर और स्प्रिंग सीजन में ज़्यादा हो रही है। विंटर और स्प्रिंग सीजन ऐसे सीजन है जिसमें कफ ज़्यादा बनता है लोगों को, मतलब वही सर्दी के समय में लोग बहुत ज़्यादा कफ से परेशान रहते हैं, तो कफिंग ज़्यादा कफ बनता कब है, तो वो विंटर सीजन में। तो उसे याद रखिए कि ज़्यादा प्रेवलेंट कब रहता है, कफिंग विंटर सीजन में, सॉरी विंटर सीजन में। पुअर हाइजीन रहे तब, क्योंकि ये कंटामिनेटेड कम्युनिकेबल डिजीज है, तो एक दूसरे को कंटामिनेट कर सकती है, तो पुअर हाइजीन। अनइम्यूनाइज्ड पर्सन, अगर कोई पर्सन जिसकी इम्यूनिटी लो हो, ठीक है, उसको हो सकती है, क्राउडेड एरिया में ज़्यादा होगी। ठीक है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ज़्यादा होगी। अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, ठीक है, तो कॉजिटिव एजेंट जो बी पर्टुसाइसिस है, बॉर्डेटेला पर है जो बैक्टीरिया, वो लिबरेट नंबर ऑफ एंटीजन टॉक्सिन। वो क्या करता है कि हमारी जो म्यूकोसा में जाता है, नेजोफेरिंग्स में जाता है या फिर हमारे माउथ में जाता है, तो वहाँ पे वो क्या करता है कि एंटीजन और टॉक्सिन रिलीज करता है। ठीक है, वो एक तरीके की टॉक्सिन रिलीज करता है, एंटीजन रिलीज करता है, जिससे क्या होता है कि पैथोलॉजिकल चेंजेस इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो फंक्शन है, पैथोलॉजिकल सिस्टम जो है वो कैसे फंक्शन करता है, उसमें चेंजेज आने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे एंटीजन, अब एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा, टॉक्सिन है तो वहाँ कहीं ना कहीं एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा, तो वो कहीं ना कहीं हमारी पैथोलॉजिकल जो सिस्टम है, ब्रीदिंग सिस्टम है, उस पर इफेक्ट डालता है। ठीक है,
इसमें इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स भी होते हैं, म्यूकोसा और सिक्रेशंस वगैरह, म्यूकोसा में, म्यूकोसा लेयर में क्या होती है, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा म्यूकोसा रिलीज होगा, उसका सिक्रेशन बढ़ जाएगा, और म्यूकोसा वगैरह के सिक्रेशंस बढ़ जाएंगे तो कफ ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगी, ब्रीदिंग सिस्टम में कंजेशन आ सकती है, हमें ब्रीदिंग करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, ठीक है। लोकल इपिथिलियम डैमेज हो सकता है, हमारी लोकल इपिथिलियम भी डैमेज हो सकती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं टॉक्सिन और एंटीजन रिलीज कर रहा है उस म्यूकोसा लेयर में, तो हमारी जो लेयर है, जो इपिथिलियम लेयर है, जो अपर इपिथिलियम लेयर होती है, वो भी डैमेज हो सकती है, और जिसकी वजह से पर्सोटाइटिस डिजीज हो सकती है, जिसमें कफ लाइक प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है इसका, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को हम लोग स्टेजेस में डिवाइड किए हैं, कैटरहल फेज होती है, प्रोक्जाइमल फेज होती है, ठीक है, और एक और इसमें फेज होती है कन्वलेसन, ठीक है। तो पहला फेज में क्या होता है कि ये दो हफ्ते तक रहती है, इसमें प्रॉपर वही फेज का याद कर लो कि शुरुआत में जब किसी को कफ होता है, जैसे कॉमन कोल्ड होती है, तो उस टाइम क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमारे रनिंग नोज होते हैं, रनिंग आइज होती है, आइज रेड हो जाती है, एक्सेस आइज से वाटर निकलता है, ठीक है, फीवर हो जाती है, थकान होती है, कफ होती है, वो सारी चीज़ें याद करो कि अगर किसी सर्दी के सीजन में हमें जब कॉमन कोल्ड हो जाता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ठीक वहीं पहला फेज में वही सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। सेकेंड फेज में क्या होंगे कि इसमें कफ जनरेट शुरू हो जाए, मतलब कफ स्पेल्स आने लगे, बहुत शॉर्ट शॉर्ट पीरियड के लिए मतलब सीवियर कफिंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसे ब्रीदिंग करेगा पेशेंट तो हुपिंग साउंड आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, हुपिंग साउंड आना शुरू हो जाएगा, कफिंग स्पेल्स होनी शुरू हो जाएगी, लिम्फोसाइटोसिस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। इसमें थोड़ा सीवियर कंडीशन हो जाती है, मतलब हुपिंग साउंड आना लगेगा, कफिंग स्पेल्स होने लगेंगी, मतलब अचानक से कफ ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, मतलब अचानक से कफ बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं हमारी लिम्फ सिस्टम को भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। अब ये लास्ट फेज जो है, इस फेज का कन्वलेसेंट, मतलब इस फेज में क्या होता है कि रिकवरी धीरे धीरे शुरू हो जाती है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जो कफ वगैरह फीवर हो रहा था वो सारी चीज़ें धीरे धीरे कम होने लगेगी, कफिंग लेसेंस कफ अब कम होने लगेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की ससेप्टिबिलिटी जो होगी वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, ठीक है। अब ये रिकवरी फेज होती है, ठीक है। अब इससे कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, अगर सीवियर कंडीशन में हो गया तो इससे कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो ये हमारी कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट कर रही है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट कर रही है, तो उससे क्या हो सकता है, निमोनिया हो सकती है, ठीक है, और हेमरेज हो सकती है, इंटरक्रैनियल हेमरेज हो सकती है, सीजर्स वगैरह हो सकता है, पैरालिसिस हो सकती है, हमारे ईयर को भी इफेक्ट कर सकता है, ईयर में स्वेलिंग हो जाएगी, ईयर म्यूकोसा वगैरह की स्वेलिंग हो जाएगी, जिसको ओटाइटिस मीडियस बोलते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी। फिर इसका हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, ठीक है, तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट तो हम हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, RT-PCR कर सकते हैं इसमें, क्योंकि हमारे क्या करता है कि हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है, तो ये धीरे धीरे क्या करता है, इन्फेक्शन मतलब जो लंग्स की फंक्शन है, पहले तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसको इफेक्ट कर रहा है, तो जब वो पैथोलॉजिकल फंक्शन को इफेक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत सारा ऐसा इन्फेक्शन होगा, बहुत सारी ऐसी वायरस होगी जो कि हमारे बॉडी में को इन्फेक्ट करना शुरू कर देगी, ठीक है, तो उसके लिए हमें RT-PCR करने की ज़रूरत होगी, ELISA टेस्ट कर सकते हैं, एंटीबॉडी एंटीजन टेस्टिंग, क्योंकि इसमें एंटीजन रिलीज हो रही है, टॉक्सिन्स रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब हम इसके प्रिवेंशन और कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, तो प्रिवेंशन में पहला आता है वैक्सीनेशन, ठीक है, तो इसमें DPT वैक्सीनेशन लेते हैं जो कि 0.5 ml लेते हैं और IM लेते हैं, और इसकी 5 डोज होती है, ठीक है, 5 डोज होता है, और IM इंट्रामस्कुलर लेते हैं और 0.5 ml लेते हैं, ठीक है। पहला डोज 6 हफ्ते का जब बच्चा है तब पड़ती है, सेकंड डोज 10 weeks का जब हो जाएगा तब, देखिए याद रखने का तरीका है, इसका 5 डोज होता है, 4-4 का डिफरेंस है, 6, 10, 14 फिर 16 से 18, मतलब 4-4 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर उसका जो सेकंड बूस्टर डोज होता है वो 5 साल पे पड़ती है, ठीक है। पब्लिक हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं क्योंकि इसमें हमारी हाइजीन वगैरह को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, प्रॉपर हाइजीन का, साइन और सिम्टम्स जो हो रहे हैं उसके बारे में लोगों को बताना है, वो डिजीज स्प्रेड कैसे होती है, उसे रोके कैसे, ये सारी चीज़ें के बारे में, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में बताना है, जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल है प्रॉपर वैक्सीनेशन के बारे में बताना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। DPT जो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूड है, तो उसके बारे में हम बताएंगे कि कब कब वैक्सीनेशन लेनी है।
फिर उसके ट्रीटमेंट में हम क्या ले सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन ले सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन ले सकते हैं, और सीवियर कंडीशन है तो हम हॉस्पिटलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों एंटीबायोटिक है, तो बैक्टीरियल डिजीज है तो एंटीबायोटिक लेंगे, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं कि पेशेंट को एम्बुलेट रेस्पिरेटरी एवरी टू आवर्स, रिपोजिशन सॉरी, पेशेंट को हर दो घंटे पे उसको एम्बुलेटरी मतलब उसको मोबिलाइज करते रहेंगे, पेशेंट को मोबिलाइज करते रहेंगे, उसको थोड़ी सी मोबिलाइज करते रहेंगे, ताकि उसकी जो हम होते हैं ना कि बेड रिडन पेशेंट रहता है बहुत टाइम तक, तो उसको कफिंग रिफ्लेक्सेस होने लगते हैं, मतलब उसको बहुत ज़्यादा कफ होने लगता है। तो जब हम पेशेंट की पोजीशन को चेंज करेंगे तो उसे कफ जो होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स से वो बाहर निकल सकता है, ठीक है। बेड को थोड़ा सा एलिवेट करेंगे ताकि वो पिलोज वगैरह देके हेड को थोड़ा एलिवेट करके रखेंगे, जैसे हम पोजीशन देते हैं कफिंग रिफ्लेक्सेस वगैरह को करने के लिए, ठीक है। गार्गलिंग कर सकता है, ये सारी चीज़ें कर सकता है ताकि उसकी सोर थ्रोट जो है वो मतलब सोर थ्रोट से वो बचा रहे, ठीक है, कफ को लूजन कर सके, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। मॉनिटर वाइटल साइंस को मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं, मतलब ये तो ज़रूरी होती है कोई भी डिजीज में हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने की, ठीक है। ये सारे नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये नोट्स और लेक्चर आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।